छब्बीस जनवरी के उपलक्ष्य में देखिए खूबसूरत जलेबी, स्वादिष्ट जलेबी यहाँ बना रहे और हम लोग भी यहीं से अपने ऑफिस को ले जा रहे हैं। देखिए तहसील प्रचारक के रूप में हमारे बीच में रहते हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तहसील प्रचारक बेतालगढ़ श्री विनोद जी, आपको भी आमंत्रित करता हूँ जो मंच पर आए हैं। हमारे युवा बेतालगढ़ के देखिए कार्यक्रम रंगारंग कार्यक्रम प्रथम आज 74वें गणतंत्र दिवस की मैं समस्त क्षेत्रवासियों को, समस्त इलाके वासियों को इस राष्ट्रीय त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा और हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और आज ही है बसंत पंचमी। सबसे पहले आपको गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों मैं जा रहा हूं अभी अपने तहसील, वहां पर हम 9:30 बजे करेंगे झंडारोहण और उसके बाद मैं जाऊंगा यहां पर जो आसपास में जो भी हमारे विद्यालय हैं और वहां पर मैं दिखाऊंगा आपको देशभक्ति से संबंधित रंगारंग कार्यक्रम। तो उसके बाद बने रहें मेरे साथ, सबसे पहले चलते हैं तहसील। नमस्कार जी, नमस्कार जी। ये देखिए डावर में बीरेन भाई, 26 जनवरी के उपलक्ष्य में देखिए खूबसूरत जलेबी, स्वादिष्ट जलेबी यहाँ बना रहे और हम लोग भी यहीं से अपने ऑफिस को ले जा रहे हैं। देखिए ये देखिए स्वादिष्ट और सुंदर जलेबी बीरेन भाई की तरफ से। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। दोस्तों अभी मैं हूँ शिशु मंदिर बेतालघाट में और यहाँ 26 जनवरी के रंगारंग कार्यक्रम होने वाले हैं। क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति हमारे रमेश तिवारी जी इस टाइम पे मेरे सामने हैं। तिवारी जी कोई संदेश 26 जनवरी पर जनता देश के नाम? नमस्कार जोशी जी, सर्वप्रथम आज 74वें गणतंत्र दिवस की मैं समस्त क्षेत्रवासियों को, समस्त इलाके वासियों को इस राष्ट्रीय त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा और निवेदन करता हूं कि हम प्रेम भाव से, सभी दलगत राजनीति से, आपसी कलह से, वाद विवाद से ऊपर उठ करके प्रेम पूर्वक इस त्यौहार को हम एक साथ हर्षोल्लास से मनाएं और अपने इस भारत को, इसकी एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए हम हर संभव प्रयास करें। और सभी को मैं इस अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि हम सब मिलकर के इसी प्रकार भविष्य में भी अपने इस त्यौहार को हर्षोल्लास से मनाएंगे। पुनः आप सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी, 26 जनों को राष्ट्र के नाम संदेश देने के लिए। तो आइए रंगारंग कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। श्यामा शांति रेधि सुमुखश्च कपिलो गजगर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि अपटेक्षयानपि विद्यारम्भे विवाहित प्रवेशे। दोस्तों यहाँ पर झंडारोहण के बाद अभी हो रहा हवन यज्ञ वगैरह राष्ट्र की सुरक्षा शांति और तरक्की के लिए, ये देखिए इसके बाद यहाँ पर होंगे रंगारंग कार्यक्रम नन्हे मुन्ने कलाकारों के द्वारा और कुछ हमारे क्षेत्र के देखिए संभ्रांत लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये देखिए हवन यज्ञ बेतालघाट शिशु मंदिर में जबरदस्त उत्साह का माहौल यहाँ पर है। ये देखिए
इस अवसर पर हमारे विद्यालय में जो महानुभाव अतिथि पहुंचे हुए हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करना चाहता हूं। और उसमें अपने दर मंचा सिंह कुछ प्रतिनिधि हमारे बीच में यहां पर बैठे हुए हैं, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं और आमंत्रित करता हूं मंच पर। और उनको बैज अलंकरण के लिए मैं अपने विद्यालय के आचार्य और आचार्य लोगों को आमंत्रित करता हूँ। आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। और उसके साथ ही एक बहुत ही खुशी का और हर्ष का विषय भी है, हमारे विद्यालय में पूर्व आचार्य रही श्रीमती नंदी कुलवे जी, जो अभी जिनको आगे बढ़ने का अवसर मिला है माँ सरस्वती की कृपा से, आपने इस विद्यालय में बहुत मेहनत से कार्य किया था और उसका परिणाम आपके सामने है कि आपको माँ सरस्वती की कृपा से इस बेतालघाट मंडल का मंडल अध्यक्ष आप नियुक्त अभी हुई है। तो आपको विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं आमंत्रित करूंगा अपने विद्यालय की आचार्य बहने श्रीमती दीपा जी और श्रीमती जानकी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो तुरंत मंच पर आए और आपको बैज अलंकृत करें। श्रीमती श्री दीपा जी और जानकी जी उपस्थित हैं स्वागत करने के लिए अपने मध्य में श्रीमती नंदी कुलवे जी और श्रीमती चंपा जलाल जी। और इसी क्रम में श्री रमेश तिवारी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, आपको मैं आमंत्रित करता हूं मंच पर। इसी क्रम में हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री भुवन जोशी जी, राजस्व विभाग से हमारे बीच में उपस्थित हैं। और आप अपने मध्य में हमेशा उपस्थित रहते हैं, हमेशा अपना सहयोग मिलता है। मैं आपको भी आमंत्रित करता हूं मंच पर। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तहसील प्रचारक बेतालघाट श्री विनोद जी, आपको भी आमंत्रित करता हूं इन जो मंच पर आए। और एक और हर्ष की बात है कि हमारे बीच में हमारे इस विद्यालय के पूर्व छात्र और छात्र संघ अध्यक्ष मनमोहित पंत हमारे बीच में उपस्थित हैं और उनकी टीम सहित आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आपको भी मंच पर आमंत्रित करता हूं। मंच पर सम्मान और ये देखिए मंजा सिंह अपने सम्मानित जनप्रतिनिधि, ये देखिए तिवारी जी और सचिव संदीप भंडारी भी यहाँ उपस्थित है। संदीप भंडारी आप ही पूर्व छात्र इसी विद्यालय के हैं। संदीप भंडारी आपको भी आमंत्रित करता हूँ कि आप भी आए मंच पर। और इसके साथ ही अपने विद्यालय के पूर्व छात्र, कोई पूछे कौन हो तुम तो गर्व से कहना भारती है हम, भारती है हम। मैं आज के इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर उपस्थित सभी माताओं बहनों व हमारे अतिथियों का स्वागत करता हूं और जो इतना अपना अमूल्य समय निकालकर यहां पर हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का उत्साह वर्धन करने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं, तो सभी का आभार। और हमारे जो आजकल हनी सिंह है, कोई गाना गाता है, मॉडल गाना गाते हैं, तो वो नहीं करना हमको। तो हनी सिंह कौन सा गाना गाते हैं? मैंने लिखा है चार बोतल डोज का, रोज का चार बोतल डोज का, काम मेरा रोज का, ना कोई मुझे रोके ना किसी ने रोका। ना 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 ना, ना ये वाला नहीं गाना आपने, आपने क्या गाना है? चार ऐसा नियोग का, काम मेरा रोज का, ना कोई मुझे रोके ना किसी ने रोका। देखिए दोस्तों, एक के बाद एक रंगारंग कार्यक्रम काफी संख्या में यहाँ पर
अभिभावक और क्षेत्र के लोग पहुंचे हुए हैं। हमारे देखिए हमारे युवा मिताल घाट के, ये देखिए कार्यक्रम रंगारंग कार्यक्रम हुए हमारे बीच में उपस्थित है, आपको मंच पर आमंत्रित करता हूँ। काफी अधिक संख्या में संत पंचमी और ये देखिए और इन्हें बैज अलंकृत करने के लिए आमंत्रित करता हूँ श्रीमती गीता उपाध्याय सब एक साथ चल रहा है जी। तो दोस्तों ये है आज का यहाँ का और आप इसी विद्यालय के पूर्व छात्र हैं, उसके कार्यक्रम हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। सरस्वती सुंदरी विद्यालय घाट में मिलेंगे जल्द ही फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पुनः एक बार फिर से आपको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं बधाइयां। जय हिंद।